आखिर टू फिंगर टेस्ट क्या होता है, टू फिंगर टेस्ट से हमें क्या पता चलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सुनो जरा, कान में ईयरफोन लगा दीजिए। टू फिंगर टेस्ट में डॉक्टर क्या करता है, जो महिला होती है, जो पीड़िता होती है, उसके वजाइना में प्राइवेट पार्ट्स में दो उंगलियां डालती हैं, और इससे पता क्या चलता है, इससे पता ये चलता है कि महिला सेक्सुअली एक्टिव है कि नहीं। और वो कैसे पता चलेगा, दरअसल महिला के प्राइवेट पार्ट्स में बाहरी परत होती है एक हाइमन की, अगर हाइमन रहता है तो इससे ये पता चलता है कि महिला सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, लेकिन हाइमन की परत को अगर नुकसान पहुंचता है तो इससे पता ये चलता है कि महिला सेक्सुअली एक्टिव है। हालांकि यह धारणा पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि हाइमन को कई बार नुकसान खेलकूद से, घोड़सवारी से या साइकिलिंग से भी या फिर अन्य कारणों से भी इसको नुकसान पहुँच सकता है। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ही टू फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया था और टू फिंगर टेस्ट को मेडिकल कोर्सेज से भी अलग करने की बात कही थी। लेकिन झारखंड में एक केस था शैलेंद्र कुमार राय का। इसमें क्या हुआ था कि टू फिंगर टेस्ट के आधार पर ही शैलेंद्र कुमार राय को बरी कर दिया था। फिर झारखंड सरकार ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है। और निर्णय क्या आया है, इसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और हेमा कोहली की बेंच ने ये कहा है कि जो टू फिंगर टेस्ट है ये क्या है, अवैज्ञानिक है, और भविष्य में कभी आगे टू फिंगर टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो टेस्ट है पीड़िता को कहीं ना कहीं फिर से टॉर्चर की तरह है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट को बैन लगा दिया है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लगी होगी, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।